हेलो भाई एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन सीएसएस के कोर्स में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज अपन देखने वाले हैं सीएसएस के वेरिएबल के बारे में, तो क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, एक वेरिएबल बनाने का क्या मतलब निकलता है सीएसएस के अंदर, और ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किस तरीके से अलग है वो भी समझेंगे। और एक बात आपको बता दूँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर आएंगे आप मेरे, और इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अपन चलते हैं सीधे वीएस कोड पे, और वीएस कोड पे जाके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नई फाइल को क्रिएट करूँगा, इसका नाम रख दूँगा varieables.html variables.html। और यहाँ पे आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ अगर इसको दबाऊँगा तो यहाँ पे बेसिक टेम्पलेट खुल गया जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिव लूँगा, यहाँ पे एक डिव लूँगा जिसका क्लास नेम दे दूँगा पेरेंट, और इसको क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा जिसके अंदर क्लास नेम दे दूंगा चाइल्ड, हैशटैग चाइल्ड, और यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट, मतलब कर्ली ब्रैकेट नहीं मल्टीप्लाई और थ्री, और इस तरीके से अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पे लिखना है चाइल्ड वन, इसको इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ दबाया और कॉपी किया, और यहाँ पे आगे यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल नीचे आए नीचे कंट्रोल वी, चाइल्ड इसको थ्री किया और इसको भी अपन ने चाइल्ड टू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपना अभी मैं इसको कर देता हूँ गो लाइव, और जैसे ही मैं इसको करूँगा गो लाइव तो आपको मालूम है कि क्या दिखाई देगा स्क्रीन पे। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे स्टाइल टैग दूंगा एक। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल, इसको इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से देना है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका जो विड्थ है वो दे देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक। पहले तो मुझे यहाँ पे सब डिप को, तो यहाँ पे डॉट चाइल्ड जितने भी हैं इनको देता हूँ, इनका जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ कितना 100 पिक्सल या फिर 200 पिक्सल। हाइट इसका क्या कर दूँ, हाइट भी इसका कर दूँ 300 पिक्सल, ठीक। और इसका मैं बॉर्डर कुछ देना चाहता हूँ, बॉर्डर में दे दिया मैंने 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अभी पहले मैं मुझे एक काम और कर देता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे अच्छा हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स इसको तो दे नहीं सकते ना, इसके पेरेंट को देना पड़ेगा अपन को, तो मैं यहाँ पे डॉट पेरेंट नाम से इसको एक्सेस करूँगा और इसको दे दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अभी देखो तीनों अपने अलग अलग डिप दिखाई दे रहे हैं। अभी एक चीज़ नोटिस करो, तीनों के अंदर अपन को सेम अपन को एलिमेंट दिया। अब अपन में जो अगर चाहिए कि मैं अगर पर्टिकुलरली किसी इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, जो चाइल्ड वन है इसको भी अगर इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लू करना चाहता हूँ, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ दोबारा से ब्लू लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ कि चाइल्ड टू है इसका जो कलर है उसको मैं ब्लू करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ब्लू लिखना पड़ेगा, तब ये पर्टिकुलर जाके यहाँ पे ब्लू कलर का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को अरेंज करना पड़ रहा है, मतलब तो जब एक ही प्रॉपर्टी को जब मल्टीपल टाइम यूज करना है, आपको मालूम है कि पूरा जो वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर जो आप कलर यूज करने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर जो यूज करने वाले हैं, या फिर टेक्स्ट का जो कलर यूज करने वाले हैं वो सेम है, या फिर आपको मालूम है कि इसके अंदर मुझे अलग अलग कलर का यूज करना है, तो आप वो वाला पूरा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करो और उसके अंदर पूरी वेबसाइट के अंदर यूज कर लो। अब यूज करने के भी दो तरीके हैं। अब दो तरीके क्या हैं, एक तो तरीका ये है कि जैसे मैं यहाँ पे चाइल्ड है, इस चाइल्ड के अंदर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करूँ। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, दो माइनस माइनस के साइन लगाओ, उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम देना होता है। जैसे अब मैंने यहाँ पे दे दिया बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको नाम दे दिया, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी एक्टिव कर दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया चलो ब्लैक दे दिया। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक इस तरीके से मैंने दे दिया, तो मुझे अब अगर यहाँ पे सॉलिड को चाहिए होगा तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मुझे केवल वी ए आर लिखना है, और वी ए आर लिखने के बाद बॉर्डर कलर वी ए आर, इसको कंट्रोल जेड, और बॉर्डर कलर को, अरे यार बॉर्डर कलर, ठीक। अगर इस तरीके से लिखूंगा तो ऑटोमेटिक अपने पास क्या हो जाएगा, सबका बैकग्राउंड कलर ब्लैक लग जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, ये होता है लोकल, यानी कि लोकल मतलब क्या,
लोकल मतलब है कि ए वाला वेरिएबल केवल इस चाइल्ड नाम के क्लास के अंदर एक्सेस किया जाता है, इसके बाहर अगर आप एक्सेस करने की इसको कोशिश करोगे तो ये एक्सेस नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर सेम प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से जाके मैं इस जगह पे दे देता हूँ, अगर मैंने इसको चाइल्ड टू के अंदर स्पेशली दे दिया तो अभी आप देखो क्या हो जाएगा। अब स्पेशली चाइल्ड टू को बॉर्डर की जगह यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस तो कलरफुल नहीं हो सकती ना, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर बॉटम दे देता हूँ। एक काम करता हूँ ना, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और इसको यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया। अब यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का इसमें अप्लाई हो गया, और इसमें अच्छा हाँ वो चार्ली टू के अंदर है ना, इसको मैं पेरेंट करता हूँ, सॉरी इसको मैं पेरेंट अगर मैं कर देता हूँ, और पेरेंट करने के बाद अगर मैं कोशिश करता हूँ तो आप देखो अप्लाई नहीं हुआ है। वो वाला क्यों अप्लाई हो गया था, वो वाला इसलिए अप्लाई हो गया था क्योंकि अपन चाइल्ड को एक्सेस कर रहे हैं, वो चाइल्ड टू उसके अंदर ही था, सिर्फ इसी वजह से वो एक्सेस हो गया था। लेकिन क्योंकि पेरेंट इसके बाहर है तो अपन इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो बात को, कि अपन किसके अंदर, अगर इसके अंदर है या इसके साथ है तब तो अपन एक्सेस कर सकते थे, लेकिन अगर इसके बाहर है तो वो अपन उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बात आ जाती है कि ऐसा किस तरीके से हो कि पूरी HTML के अंदर एक्सेस किया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे आके सबसे पहले मैं जो यहाँ पे एक तरीके से लिख के यहाँ पे रूट अगर मैं लिख दूँगा, ये जो अब बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, इस ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना बॉर्डर कलर वाली, इसको मैं ले जाके अगर इसके अंदर ले जाके कर दूँ रूट के अंदर, इसके बाद अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो आप देखो इसके ऊपर बॉर्डर कलर अप्लाई हो गया। तो कितना इजी होता है अपने पास के दो वेरिएबल आपने डिफाइन करे, मतलब आपने रूट नाम का एक वो बनाया, सिलेक्टर यूज किया और वहाँ पे अपन ने बॉर्डर कलर ब्लैक कर दिया। आप इसको जहाँ पर आप करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं जो आपको नाम देना, बॉर्डर कलर जरूरी नहीं है यही नाम दो इसको, आप प्राइमरी सेकेंडरी नॉर्मली यही इसी कलर में इसी तरीके से नाम दिए जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। अगर मैं इसको प्राइमरी दे दूँ तो अब आप देखो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, अब वो आपको मालूम है कि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इसको चेंज करके प्राइमरी कलर करना पड़ेगा, और अगर मैं उसको कर दिया है मैंने तो यहाँ पे बॉर्डर कलर आ गया। अब क्योंकि मैंने नीचे वाले के अंदर नहीं किया तो मुझे इसको भी करना पड़ेगा, इसको करने के लिए मुझे बस इसको करना है तो ये ऑटोमेटिक अपना अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इतना ईजिली अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर जैसे कलर ब्लू है, अगर मुझे अगर इसका कलर ब्लैक करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पर वेरिएबल दूंगा और यहाँ पर अगर मैं इसी का कॉपी कर लूँ मैं से यहाँ पर, और यहाँ पर प्राइमरी की जगह इसको दे दूँ सेकेंडरी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको ब्लू या वाइट जो भी ठीक लगता है, मैं यहाँ पे वाइट दे देता हूँ, ठीक। और मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से सेकेंडरी कलर कर दूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी फिर ज़रूरत नहीं है, मैं ऑटोमेटिक जो वाइट कलर का हो जाएगा। तो आपने एक बार डिफाइन किया फिर उसके बाद जहाँ पर आपको एक्सेस करना है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर बॉर्डर कलर भी मुझे चेंज करना है तो मैं इसका सेकेंडरी कलर का यूज कर सकता हूँ, सेकेंडरी कलर। तो अभी आप देखो बॉर्डर कलर कैसा हो गया, वाइट कलर का हो गया। तो अपन इतनी आसानी से क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं, केवल एक बार वेरिएबल को बनाया फिर उसको पूरी CSS के अंदर जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे कर सकते हैं। अब केवल ऐसा नहीं है केवल इसके लिए ही कर सकते हैं, वो अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि फॉन्ट साइज अपन ऐसा चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट अपन पूरी वेबसाइट के अंदर यूज करते हैं उसका सेम फॉन्ट साइज होना चाहिए, फॉन्ट वेट सेम होना चाहिए, तो अपन उसके अंदर भी कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 22 पिक्सल, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज मुझे अलग से ना देना पड़े, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट साइज और यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज करूँगा और यहाँ पे जो अपना फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे दे दूँगा। तो यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोमेटिक बढ़ चुका है। फॉन्ट वेट की अगर बात करूँ तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं अपन, फॉन्ट वेट, और आपने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। कितना कर दिया मैंने यहाँ पे कर दिया 900 पिक्सल, और अगर मैं यहाँ पे देना होगा मुझे फॉन्ट वेट तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे केवल वेरिएबल और यहाँ पे इस फॉन्ट वेट को एक्सेस करना है, और जैसे मैं एक्सेस करूँगा आप, अच्छा इसमें एक्सेस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको बोल्डर करना पड़ेगा। अभी देखो आप अभी इसमें इजीली एक्सेस हो गया, अभी भी अगर सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ,
इसका जो कलर है उसको एक और कलर इसकी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन, ग्रीन कलर कर लेते हैं। तो अभी आप देखो केवल मैंने वहाँ पे एक कलर चेंज किया, वहाँ पे यहाँ पे सारे एलिमेंट के अंदर कलर चेंज हो गया। तो इतना आसान होता है आपको जब आप एक बार वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं तो उसको पूरी CSS के अंदर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा अलग है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसमें फंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसमें केवल आपको एक जगह पे डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद जहाँ पे आपको यूज करना है उस जगह पे आप यूज कर सकते हैं। ये जनरली अपन यूज कहाँ करते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि ये कहाँ पर यूज किया जाता है। ये तब यूज किया जाता है जब आपको पूरी वेबसाइट के अंदर एक ही टाइपोग्राफी को मेंटेन करना है, एक ही कलर को मेंटेन करना है। तो आप क्या करते हैं, एक बार आपने डिफाइन कर दिया, अब इस पूरी वेबसाइट के अंदर जहाँ पे आपको यूज करना है वहाँ पे आप उस कलर या फिर प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था अपना CSS का कस्टम वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर आप मुझे बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।